अपनी औरतों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, मैं ये बोलूंगी। सब लोग सोचते हैं कि हम चाइना से हैं या किसी और जगह से हैं, उनको पता भी नहीं है कि मणिपुर है। देयर एग्जिस्ट अ स्टेट कॉल्ड मणिपुर। लेट्स से इट्स अ वॉर, ओके, वी किल, लाइक दे किल अस, वी किल देम, इट्स अ वॉर एथिक, बट दे डोंट इवन नो व्हाट वॉर एथिक इज। टू बी ऑनेस्ट, हम तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडियन है, द वे दे ट्रीट अस। 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। दरअसल हुआ ये कि 20 जुलाई को इंटरनेट पर मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुकी समुदाय की दो महिलाओं को भीड़ द्वारा बिना कपड़ों के परेड कराया जा रहा था। उनमें से एक के साथ कथित रूप से गैंगरेप भी हुआ और उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसके बावजूद भी सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। CJI चंद्रचूड़ ने भी कहा कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट एक्शन लेगा। हालांकि आक्रोश लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ता रहा, विपक्ष की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई और अब ज़मीन पर भी वो आक्रोश दिखने लगा है। उस वीडियो के खिलाफ और सरकार की कार्रवाई के खिलाफ यहां पर जंतर मंतर पर आज कई संगठनों ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया था जिसमें कई सारे छात्र संगठन शामिल हुए और मणिपुर से कुकी समुदाय के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आप भी सोचो, आपकी कोई बहन, आपकी कोई दोस्त या माँ को ऐसे नेकेड परेड करवाया है, आप सोचोगे तो यू हैव दैट अ बिट ऑफ लिटिल सेंस ऑफ एम्पैथी राइजिंग अप इन योर हार्ट। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू इवन टू कॉम्प्रिहेंड, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। एक औरत जिसको निर्वस्त्र करके और उसको दौड़ाया जा रहा है और उस पर भी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, भद्दी घटिया राजनीति उस पर कुछ लोग कर रहे हैं, तो इस देश में मैं मानती हूँ कि आज के दिन औरत होने से बड़ा कोई घिनौना पाप नहीं है। यहाँ पे एग्जिस्ट करना ही आज के दिन में एक बहुत बड़ा पाप है कि आप एक इंडियन वुमेन हैं तो आप एक बहुत बड़ा कर्ज लेके पैदा हुई हैं कि आपको किसी भी दिन घर से निकाला जाएगा और कुछ सत्ताधारी गुंडे, कुछ आदमखोर गुंडे आपको बाहर निकालेंगे और वो आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी अस्मिता के साथ, आइडेंटिटी के साथ जो मन में आएगा वो करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी फ्यूचर को देखकर, आपको अपनी इंटेग्रिटी को देखकर चुप रहना पड़ेगा और सारे दर्द को खुद पीना पड़ेगा। आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, माई फादर इज करेंटली सर्विंग इन द इंडियन आर्मी राइट नाउ बट ही इज पोस्टेड समवेयर एल्स, बट अ लॉट ऑफ आर्मीज हु आर पोस्टेड in other parts of the country to save their country, to serve their country, their houses are being burned down in Manipur. To be honest, hum to aisa nahi lag raha hai ki hum Indian hai, the way they treat us, we consider ourselves Indian, ye to sure hai, kyunki hum log flag leke jaate rehte hain, hum log rashtra gaana gaate hain, hai na, aur hamare purvajon ne bhi British ke against fight kiya hai, lekin इतना कॉन्ट्रीब्यूशन एज एन इंडियन दे के भी अभी कोई इंटरवेंशन ही नहीं आ रहा है। मोर देन टू मंथ्स हो गए, तो आप देखिए इतना लेवल का, इतना एक्सटेंट का डिस्क्रिमिनेशन तो हम फील ही करेंगे ना, बहुत, लाइक इट्स अनएक्सप्लेनेबल। प्रदर्शन में शामिल कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, अगर हम उसे एक वार कंसिडर करें, यानी कि युद्ध की तरह कंसिडर करें, तो भी महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, क्या वह जायज है? Let's say it's a war. Okay, we kill, like they kill us, we kill them. It's a war ethic, but they don't even know what war ethic is. They resort on dishonoring women. That's not something from 2023. The government should take a proper measurement regarding this to stop the violence. But as we know, when the BJP government lead happens, so many places are not peaceful. Now it hit Manipur. This thing happened because government sideline the main people and they neglect the tribal. That is the main reason.
और किस तरह से ना केवल कि इस हिंसा को रोका नहीं जा रहा है बल्कि हिंसा करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, बंदूकें बांटी जा रही हैं और यहाँ तक कि जब हिंसा हो जाता है कार्रवाई नहीं की जाती है। हम देखते हैं कि जिन महिलाओं के साथ ही वारदात हुआ वो बताती हैं कि उनको पुलिस के जीप में ले जाया जा रहा था और जैसे ही मॉब उनके पास आता है पुलिस उनको उस मॉब के हवाले छोड़ देता है। तो हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी पूरे विदेश का दौरा करते हैं और कहा जा रहा है फ्रांस के रायट को नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं, पर नरेंद्र मोदी में इतना सक्षम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने देश में एक राज्य को जलने से, अपने देश में महिलाओं के साथ यौन हिंसा होने से बचा सके। 4 मई को महिलाओं के साथ ये घटना होती है, उसके 14 दिन बाद 18 मई को 0 FIR दर्ज होती है। 0 FIR दर्ज होने के बाद उस FIR को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र होने में करीब 1 महीना लग जाता है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होने में 20 जुलाई तक का वक्त लग जाता है। तो घटना होने और उनकी गिरफ्तारी के बीच का जो फासला है, यह फासला क्यों है? FIR दर्ज होने के बाद उस FIR को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र होने में इतना वक्त कैसे लगा? ये सारे अहम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और साथ में एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि अगर यह वीडियो वायरल ना होता तो क्या सरकार उनको गिरफ्तार करती? क्योंकि गिरफ्तारी भी वीडियो के वायरल होने के बाद, प्रधानमंत्री का कमेंट आने के बाद, CGI का कमेंट आने के बाद आया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर जो जनता का आक्रोश है वह सरकार की कार्रवाई पर है और कानून व्यवस्था की कार्रवाई पर है। फिलहाल यह प्रदर्शन आज का जो था वह खत्म हुआ। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।